हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम देवा हॉस्पिटल एंड आयुर्वेद सेंटर। आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करूंगी कि हमें प्रेगनेंसी किस एज में प्लान करनी चाहिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं आजकल जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके अपने प्रोफेशनल एम्बिशंस होते हैं और वो ये प्रेगनेंसी प्लानिंग पोस्टपोन करना चाहते हैं। और कई बार मेरे पास ऐसे भी गर्ल्स आती हैं जिन्होंने अभी मतलब जो अभी 30-31 हो गई हैं, उनकी शादी नहीं हुई है और अभी उनका शादी का कोई प्लान भी नहीं है, तो वो ये कहती हैं कि मैम अब हम क्या करें। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो राइट एज ऑफ प्लानिंग फॉर अ फीमेल, एक फीमेल को आइडियली 28 से 32 के बीच में एक बेबी तो प्लान कर लेना चाहिए। आफ्टर 32 थोड़ा सा फर्टिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, नॉट टू मच बट टू सम एक्सटेंट। और 32 के बाद अगर प्रेगनेंसी किसी को नहीं होती है तो उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पेशेंट्स ये चाहते हैं कि उनको वो प्रेगनेंसी प्लान करें और 6 मंथ में प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। फिर जब 32 के बाद प्लान करते हैं और 1.5 साल तक कंसीव नहीं होता तो वो 33.5 हो गए, तो फिर उनका स्ट्रेस अलग लेवल का हो जाता है कि अब हमें बेबी नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। 28 to 32 के बीच में अगर आप प्लान करते हैं, नहीं होता है तो आपके पास टाइम रहता है कि आप अपने आप को इन्वेस्टिगेट करा सकें, सिंपल ट्रीटमेंट ले सकें और कंसीव हो सके। आफ्टर 32 एक तो ट्रीटमेंट भी काफी अग्रेसिव हो जाता है कि अपने पेशेंट की एज बढ़ रही है, तो जल्दी जल्दी अगर सिंपल ट्रीटमेंट से पेशेंट्स कंसीव नहीं होते हैं तो फिर आप हायर ट्रीटमेंट IVF ICSI ऐसे से कुछ प्लान करो। ऑफ लेट ऐसा भी देखा गया है नाउडेज फीमेल फर्टिलिटी फास्ट डिक्लाइन कर रही है, तो पेशेंट्स को 32 के बाद लो AMH की प्रॉब्लम्स, मेल्स में स्पर्म फैक्टर्स की प्रॉब्लम्स, इस तरह का आजकल बहुत कॉमनली मैं तो देखती हूँ। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस करती हूँ तो शायद मेरे पास इस तरह के पेशेंट ज्यादा आते होंगे, बट लेकिन ऑफ लेट मैंने देखा है कि यंगर जनरेशन में इस तरह के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गए हैं। बट डेफिनेटली अगर आप 28-29 में फर्स्ट बेबी प्लान करेंगे, जल्दी आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होगी, यंगर एज का आपको एडवांटेज होगा और कंसीव करने में रिलेटिवली आप लोगों को इजी रहेगा, एंड यू विल बी हैविंग टाइम आल्सो टू हैव सिंपल ट्रीटमेंट्स, यू कैन गिव टाइम टू ट्रीटमेंट। अदरवाइज तो क्या होता है कि आप जल्दी करिए, IVF कर दीजिए, मैम इतने साल हो गए, अगर किसी की शादी 28 पे हुई है उसने 32 पे प्लान करना शुरू किया और फिर उसके बाद 1.5 साल तक उसको हुआ नहीं तो 5.5 years हो गए और नहीं हो रहा है, तो फिर स्ट्रेस लेवल इज बियॉन्ड, मतलब दे कैन नॉट मैनेज दैट स्ट्रेस। तो आइडियल एज फॉर अ फीमेल इज 28 to 32, एंड मेल्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है एज सच। मेल्स में ओवरऑल फर्टिलिटी उनकी या स्पर्म काउंट्स उनके डिक्लाइन 50 के बाद होने शुरू होते हैं, बट ऑफ लेट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, सीमेन फैक्टर्स पे भी इम्पैक्ट आने लगा है। अगर किसी की हेल्थी लाइफस्टाइल है, उसने चेक करा लिया कि उसका सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो डेफिनेटली दे कैन पोस्टपोन प्रेगनेंसी आफ्टर दे आर मोर देन 35 ऑल्सो। बट उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि उनको मतलब 40 से ज्यादा तो अपना प्रेगनेंसी प्लानिंग डिले नहीं करना चाहिए। थैंक यू।